और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। आज आपने स्वागत किया, इसके लिए मैं विशेष तौर पर पूरे नवादा टीम को, भारतीय जनता पार्टी के पूरे टीम को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो भरोसा दिखाया और जो संकल्प दिया है, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी दूसरे को कंधा पे बैठाकर सत्ता तक पहुंचाने का काम करती थी। लालू प्रसाद जी को पहली बार मुख्यमंत्री किसी भाजपा के लोगों ने बनाकर मुख्यमंत्री बनाया और पांच बार नीतीश कुमार जी को भी सत्ता तक पहुंचाने का काम भाजपा के लोगों ने किया। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह स्वस्थ है, मैं एकदम गारंटी देता हूं उनके तरफ से, अब कोई बैठेगा तो भाजपा का ही कार्यकर्ता मुख्यमंत्री। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और पूर्ण रूप से भारत बिहार तैयार भी है, बिहार के लोग चाहते भी हैं, नरेंद्र मोदी जी पर इतना भरोसा है लोगों को और डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं साथ। आप समझिए, पहले लोग कमाई करने के लिए दिल्ली जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, बॉम्बई जाते थे, तो लोग देखते थे कि रोड बन गया, बिजली लग गया, नौकरी लग रहा है, पानी का व्यवस्था है। लेकिन बिहार में ये व्यवस्था आते आते हमको आज 33 वर्ष में सिर्फ हम इतना ही कर पाए कि हमारे यहाँ गांव में बिजली पानी सड़क पहुंचा, कोई रोजगार नहीं हो पाया। आज हमारे लिए रोजगार क्या है? सिर्फ सरकारी नौकरी। इसी पे चिंतित है कि हमारा हो जाए, हम अपना जीवन जी लेंगे। लेकिन अब देश को आगे ले जाना है, देश को खड़ा करना है, बिहार को खड़ा करना है, क्योंकि देश तभी खड़ा होगा जब बिहार खड़ा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि 6 तारीख से आप सामाजिक सत्ता के रूप में कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में संकल्प लीजिए एकदम, देखिए जनता अपार बहुमत के साथ आपके साथ खड़ा होने वाला है। लेकिन संगठन को धार धार यदि बनाना चाहते हैं तो नीचे जो बूथ है, बूथ पर पन्ना प्रमुख से लेकर जो झंडा फहराने का कार्यक्रम हम लोग तय किए हैं 6 तारीख से, क्योंकि स्थापना दिवस है हमारा, उस दिन बूथ पर पन्ना प्रमुख की चिंता हमको करनी पड़ेगी। पन्ना प्रमुख होगा तभी आप चुनाव के पहले बता दीजिएगा कि रिजल्ट नवादा में क्या होने वाला, गोविंदपुर में, गोविंदगंज गोविंदपुर में क्या होने वाला, रजौली में क्या होने वाला है। जब बूथ कैप्चरिंग का दौर था साथियों, तो हम लोग को पहले पता चल जाता था कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, क्योंकि पहले ही बूथ लूट लेता था। अब तो दौर बदल गया, अब तो जनता का जनमत चाहिए। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता चाहती है कि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार बने, 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से मोदी सरकार बने, इसकी चिंता करती है। इसलिए हम लोगों को भी चिंता और मैं जब तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करूंगा, एकदम स्पष्ट रहिए, एक तो मैंने तय भी कर दिया है पार्टी कार्यालय में कि सोमवार और बृहस्पतिवार को मैं बैठूंगा, कोई भी मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक आकर अपनी समस्या आपको बता सकता है, उस समस्या को निराकरण। दूसरी बात, जब तक मैं अध्यक्ष हूं आपके सम्मान को कभी गिरने नहीं दूंगा, इतना भी कार्यकर्ताओं के सम्मान को ही बढ़ाना है। हम लोगों ने सरकार में रह के देखा, राजवेश जी बैठे हम लोग सरकार में, रोज हम लोगों की लड़ाई यही होती थी कि हम सत्ता में रहकर भी सत्ता से बाहर रहते थे और बर्बाद काटते थे, वैसी सत्ता नहीं चाहिए।
आप लोग तो देखे, हम लोग मुकर होकर बोलते रहे सरकार में भी कि ऐसी सरकार को जिस तरह अटल जी कहते थे कि ऐसी सरकार में चुनते से भी सरकार बनाना पसंद नहीं करूंगा। तो अब पार्टी ने तय कर दिया है कि जब तक अपनी सरकार नहीं होगी तब तक हम सरकार बनाने वाले नहीं है। इसलिए साथियों आग्रह करेंगे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, 2 अप्रैल को आपके हिसुआ के मैदान में आने वाले, आईटीआई के मैदान में आने वाले हैं। पूरे जिले से लाखों की संख्या में जुटिए सारे लोग वहां पर आइए और जनमन से ये मैसेज देने की कोशिश कीजिए जब नीतीश कुमार जी जो आजकल पलटू कुमार हो गए हैं उनके जाने का विदाई नवादा नींव रखने का काम करे। नींव रखिए, अब बिहार तो विकसित बिहार बनाना है। और वहां हम लोग तो कहते हैं कि पूछिए बिहार के मुख्यमंत्री जी से, बिहार के मुख्यमंत्री इंजीनियर है, लोग कहते हैं कि इंजीनियर मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश में कौन है? बाबा मुख्यमंत्री। बाबा तो धार्मिक होते हैं, लेकिन बिहार में सरकारी धन का सिर्फ खर्चा होता है बाबू साथी, 2,61,000 करोड़ बिहार का बजट है और 2,61,000 करोड़ में लगभग 2,20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार या ग्रांट या लोन ले, मात्र 38,000 करोड़ रुपया हमको बिहार सरकार रेवेन्यू के तौर पर शुल्क देने का काम करती है। अब सोचिए कि 2,61,000 करोड़ बिहार में खर्चा होगा और उत्तर प्रदेश में कितना खर्चा होगा? 40,00,000 करोड़। चिंता ये है, गुतिया घर बना लेता है तो गांव हम लोग को चिंता हो जाता है, करें गुतिया का घर इतना बड़ा कैसे हो गया भाई? अब उत्तर प्रदेश 100 किलोमीटर की दूरी है, 200 किलोमीटर की दूरी पर वहां के लोग अचानक 13 गुना अधिक हमसे ज्यादा खर्चा करेंगे, हमसे ज्यादा विकास करेंगे, हमको तो चिंता होगी ना कि हमारे बिहार में क्यों नहीं होगा। इसलिए अब नए बिहार कल्पना करना है। हमने तो कहा, हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी कहा है, पूरे बिहार में 1,000 मंडल अध्यक्ष हैं और यहाँ महामंत्री जी हमारे बैठे, ये लोग इतना काम देते हैं हमारे मंडल अध्यक्षों को, मैं गारंटी देता हूं कि मंडल अध्यक्ष को यदि हम मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दे तो नीतीश कुमार से अच्छा होगा। इसलिए हम यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम देंगे कि 2 तारीख को सभी लोग सभी तरफ से पूरे नवादा से नालंदा से जुटकर आप विश्वा के आईटीआई मैदान में पहुंचिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने निवर्तमान जिला अध्यक्ष से निवेदन है कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। संजय कुमार मुन्ना जी, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके बीच में अपने बिहार के, बिहार प्रदेश के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी हम सबके बीच में संबोधन किए, उनका आगमन हम सबके कार्यालय में हुआ, अपने सभी कार्यकर्ताओं से और अपने जो लीडरगण आए हैं उन सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।